सभी मेरे प्यारे भाई बहन को राम राम, जय हिंद। मैं फिजिकल ट्रेनर अभिजीत आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे फिजिकल ट्रेनर अभिजीत। तो दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ सीआरपीएफ ट्रीटमेंट्स 2024 के रिजल्ट के बारे में कि रिजल्ट कब निकलेगा और ट्रेनिंग जो है कब से चालू होगा। सभी को जो है बेसब्री से इंतजार है कि ट्रीटमेंट सीआरपीएफ का रिजल्ट कब निकलेगा और ट्रेनिंग कब से चालू होगा। तो इसलिए दोस्तों एक बहुत बड़ा जो है अपडेट आया है, तो मैं सोचा इसके ऊपर एक वीडियो जल्दी से बना देता हूँ ताकि आप सभी का जो है मन में अगर कोई डाउट है तो वो डाउट क्लियर हो जाए या फिर आप लोगों को जो है जानकारी मिल जाए कि जो है ट्रेनिंग कब से चालू होगा और रिजल्ट कब तक निकलेगा। तो दोस्तों मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था कि सीआरपीएफ ट्रीटमेंट्स के बारे में कि इनका ट्रेनिंग जो है अक्टूबर की लास्ट वीक से शुरू होने वाला है, तो उसमें जो है एक बड़ा सा अपडेट आ गया, नया मैसेज आया है और उनका जो है सीआरपीएफ ट्रीटमेंट्स का ट्रेनिंग जो है अभी अक्टूबर फर्स्ट वीक से यानी 5-7 तारीख से जो है ट्रेनिंग सेंटर में जो है इनका ट्रेनिंग शुरू हो जाएगा सीआरपीएफ ट्रीटमेंट्स का। ये जो है एक बड़ी खबर है, लेकिन दोस्तों इसमें थोड़ा सा अपडेट ये है कि अब जो है सीआरपीएफ ट्रीटमेंट्स का ट्रेनिंग जो चलेगा अक्टूबर फर्स्ट वीक से वो जो है अनुकंपा बेस का ट्रेनिंग जो है चलेगा। तो दोस्तों जो लोग अनुकंपा से भर्ती हो रखे हैं ट्रीटमेंट्स में, तो उनको उनके लिए जो है ये खुशखबरी है कि अक्टूबर से जो है फर्स्ट वीक से ही 100% जो है फर्स्ट वीक से जो है इनका ट्रेनिंग शुरू हो जाएगा और वो ट्रेनिंग जो है 4 महीने का ट्रेनिंग होगा, उसके बाद जो है उनको अपना अपना यूनिट में जाने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों सबसे बड़ी अपडेट यही है कि सीआरपीएफ ट्रीटमेंट्स का जो है अनुकंपा बैच का अभी अक्टूबर फर्स्ट वीक से ट्रेनिंग चलने वाला है। और अभी बात आता है कि जो नया भर्ती हो रहे हैं 23-24 का ट्रीटमेंट सीआरपीएफ, तो उनका जो है रिजल्ट कब आएगा और ट्रेनिंग जो है कब से शुरू होगा। तो दोस्तों अभी बात करते हैं सीआरपीएफ ट्रीटमेंट्स का जो न्यू बैच है 23-24 का जो भर्ती है उसका रिजल्ट निकलने में इतना लेट क्यों हो रहा है या फिर इसका जो है डेट मेंशन क्यों नहीं आ रहा है अभी तक और ट्रेनिंग जो है कब से चलेगा। तो दोस्तों SSCGT 2023 का जो भर्ती हुआ था उसका जो है रिक्रूटमेंट का ट्रेनिंग चल रहा था सभी ट्रेनिंग संस्थानों में और उनका जो है लगभग आधे से ज़्यादा जो है POP के बाद जो है अपने अपनी यूनिटों में चले गए, लेकिन उसी बैच का कुछ एक बंदे जो है रिलीगेट हो गए थे अलग अलग कारणों से, तो उनका जो है एक बैच अभी भी और बचा हुआ है और उनका जो है ट्रेनिंग अभी भी चल रहा है और उनका ट्रेनिंग जो है अगले 1.5 महीना और लगेगा, उसके बाद जो है उनका भी POP हो जाएगा। तो हो सकता है इस वजह से जो कि सीआरपीएफ ट्रीटमेंट्स का रिजल्ट निकलने में जो है थोड़ा बहुत देरी हो रहा है। और दोस्तों SSCGT 2023 का जो बचा हुआ बैच है वो भी जो है 1.5-2 महीने में सभी का POP हो जाएगा, उसके बाद जो है सभी ट्रेनिंग सेंटरों में काफ़ी जगह भी हो जाएगा। तो हो सकता है जो है सीआरपीएफ ट्रीटमेंट्स का भर्ती का जो 23-24 का प्रोसेस चल रहा है तो वो अगले 1.5-2 महीने के अंदर अंदर जो है सब कुछ कंप्लीट हो जाए। और दोस्तों आप सभी को ये भी पता होगा कि SSCGT 2024 का भी जो है भर्ती आज चल रहा है और अक्टूबर की 23 तारीख से जो है इनका फिजिकल और मेडिकल शुरू होने वाला है। तो इसलिए दोस्तों हो सकता है जल्दी से जल्दी आप लोगों का भी नंबर आ जाए सीआरपीएफ ट्रीटमेंट्स का, क्योंकि SSCGT 2024 का जो है बैच काफ़ी बड़ा है, तो जो है फिर से जो है ट्रेनिंग सेंटर जो है एंगेज हो जाएगा SSCGT को लेके 2024 को लेके। इसीलिए ज़्यादा तक उम्मीद है कि अगले 1-1.5 महीने के अंदर अंदर आप सभी का जो है रिजल्ट भी निकल जाए और आप सभी का जो है ट्रेनिंग भी शुरू हो जाए। जैसे अनुकंपा बैच का अक्टूबर की फर्स्ट वीक से शुरू हो रहा है, तो हो सकता है आपका लास्ट वीक या जो है फिर नवंबर फर्स्ट वीक से जो है आप लोगों का ट्रेनिंग भी शुरू हो जाए और उससे पहले जो है रिजल्ट भी निकल जाए कुछ दिनों में, यही उम्मीद है अभी तक तो। लेकिन पक्का कोई जो है फिक्स डेट नहीं आया रिजल्ट को लेके और जो है ट्रेनिंग को लेके भी जो है फिक्स डेट नहीं आया, ओनली अनुकंपा बैच का डेट जो है आया है अभी। तो जैसे ही अपडेट होगा तो मैं सबसे पहले वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तुम दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।